जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय। गुड से मुर्दाबाद। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आज मैं बात करना चाहता हूं कि पिछले एक हफ्ते के अंदर भारत के अलग अलग भाग से जो सूचनाएं मिली हैं उससे इंडिया गठबंधन मजबूत हुआ है या कमजोर। जिस प्रकार से पार्लियामेंट चुनाव में इंडिया गठबंधन ने एकजुटता दिखाई थी और एक दूसरे का साथ दिया था और समाज को कोई भी ऐसा मैसेज नहीं दिया था जिससे लगे कि इनमें आपस में कोई मतभेद है, उससे भारतीय जनता पार्टी का जो सपना था कि वो 400 सीटें पार करेगा, न केवल वो टूटा बल्कि जनता के बीच में जो एक भ्रम था कि भारतीय जनता पार्टी को हराया नहीं जा सकता वो भी टूटा। भारतीय जनता पार्टी ने एक तंत्रीय रूप में पिछले 10 साल के अंदर 2014 से 2024 तक जो शासन चलाया था उसमें भी व्यवधान पैदा हुआ और 2024 के बाद 4 जून के बाद रिजल्ट आने के बाद जो आपने सरकार चलती हुई देखी ये उस प्रकार की सरकार नहीं है जो आपने 2014 से 24 तक देखी थी। और इसका मुख्य कारण था इंडिया गठबंधन के बीच में आपसी समन्वय और एक दूसरे के खिलाफ स्टेटमेंट न देना और मिलजुल के चुनाव लड़ना। विधानसभा चुनाव जो हो रहे हैं आज हरियाणा में हो रहे हैं, जम्मू एंड कश्मीर में हो रहे हैं, 5 अक्टूबर को वोट पड़ेंगे हरियाणा के अंदर, 8 अक्टूबर को काउंटिंग होगी, इनके रिजल्ट्स आएंगे अगले 1 महीने के अंदर, महाराष्ट्र में भी चुनाव घोषित हो जाएंगे, झारखंड में भी हो जाएंगे और 6 महीने के बाद दिल्ली के अंदर भी चुनाव हो जाएंगे, बिहार के अंदर भी 7-8 महीने के अंदर चुनाव हो जाएंगे, बहुत सारे प्रदेशों के अंदर चुनाव होने वाले। अब ये जो 2024 का लोकसभा का चुनाव है इससे तो एक दिशा देश की राजनीति को मिली है, लेकिन विधानसभा चुनाव जो हो रहे हैं और जो होने वाले हैं उनसे अगली दिशा मिलेगी, असल अगली इंडिकेटर हमको मिलेगा कि भारत की राजनीति क्या करवट ले रही है और किस ओर जा रही है। क्या इंडिया गठबंधन जो मजबूती से लड़ा था वो अभी भी मजबूत है और मजबूती की तरफ बढ़ रहा है या कमजोर हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी कोई कसर नहीं छोड़ेगी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को ये बात पता है, मोदी जी को और बीजेपी के रणनीतिकारों को ये बात पता है कि अगर इंडिया गठबंधन मजबूती से मिलजुल कर लड़ेगा तो भारतीय जनता पार्टी के जीतने की कोई संभावना नहीं, क्योंकि करीब 36-37% भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक थे, अब कितने रह गए हैं वो तो चुनाव में पता चलेगा। अलग अलग स्टेट में अलग अलग प्रकार की स्थिति है। दिल्ली के अंदर अगर 35% वोट बीजेपी के पास हैं तो करीब 25% वोट कांग्रेस के पास हैं और बाकी वोट आम आदमी पार्टी के पास हैं। विधानसभा और लोकसभा में अलग अलग दिल्ली की परिस्थिति होती है। वेस्ट बंगाल के अंदर टीएमसी नंबर 1 की पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी नंबर 2 की पार्टी है और कांग्रेस और पाप नंबर 3 की पार्टी है। बिहार के अंदर तेजस्वी यादव लीडिंग कंपोनेंट हैं इंडिया गठबंधन के और उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव लीडिंग गठबंधन के लीडर हैं। पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में लड़ाई है, वहां बीजेपी और अकाली दल कहीं नहीं। महाराष्ट्र के अंदर शरद पवार का एक अलग एरिया है जहां वो स्ट्रांग है, उद्धव ठाकरे का मुंबई और आसपास के इलाके में वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और कांग्रेस का विदर्भ एरिया है जो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और बाकी स्टेट के बारे में आपको पता ही। ये भी बिल्कुल स्पष्ट है कि कांग्रेस ने पिछले 3 साल के अंदर जब से राहुल गांधी की पदयात्रा हुई है और राहुल गांधी ने समाज के अलग अलग प्रकार के लोगों से जैसे संपर्क साधा है और जिस प्रकार के उनके मीडिया विभाग ने रणनीति के तहत ये सारी चीजें जनता तक पहुंचाई हैं, राहुल गांधी ने ये मैसेज देने का प्रयास किया है कि वो शोषितों के साथ हैं, गरीबों के साथ हैं, ऐसे लोगों के साथ हैं जिनको अधिकार नहीं मिल रहे, वो ओबीसी के साथ हैं, वो SC ST के साथ हैं, वो माइनॉरिटीज के साथ हैं और वो शोषण के विरुद्ध है। ये मैसेज उन्होंने पिछले 3 साल के अंदर दिया है। विदेश जाकर भी उन्होंने ये मैसेज दिया है, चाहे वो UK गए हों या अमेरिका गए हों, अभी वो अमेरिका से उनकी यात्रा संपन्न हुई है,
वहां भी छात्रों से उन्होंने संवाद किया है, वहां के इंटेलेक्चुअल से संवाद किया है, वहां के प्रेस क्लब से उन्होंने संवाद किया है और मैसेज ये दिया है कि वो एक संजीदा बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं जिन्हें अंतरराष्ट्रीय विषयों की समझ है और जो उनके खिलाफ एक छवि बनाई गई थी वो एक गढ़ी हुई छवि थी जिसके पैसे एक पैसे का तंत्र था, लेकिन वास्तविकता में एक सुलझे हुए नेता हैं और जो एक परंपरा है पंडित जवाहरलाल नेहरू की, इंदिरा गांधी की, राजीव गांधी के उसी कड़ी के एक और पात्र हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस आज की तारीख में, 3 साल पहले वो स्थिति नहीं थी, लेकिन आज की तारीख में कांग्रेस करीब करीब हर राज्य में बहुत मजबूत हुई। अगर केवल बिहार उत्तर प्रदेश की बात भी की जाए तो अगर इसकी कल्पना की जाए कि कांग्रेस अलग चुनाव लड़े और सपा और आरजेडी अलग चुनाव लड़े तो कम से कम 20-25% वोट कांग्रेस को मिलने की संभावना है, क्योंकि अल्पसंख्यक वर्ग और दलित वर्ग बहुत ज्यादा कांग्रेस की सब झुका है और जो ये वोट बैंक समाजवादी पार्टी का भी है और आरजेडी का है। तो टूटने से भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल वॉकओवर मिल जाता है, लेकिन अगर ये मिलकर लड़ते हैं तो राहुल गांधी की छवि और ये 20-25% का वोट बैंक जिसमें बंटवारा कोई तीसरी शक्ति नहीं कर सकती और तेजस्वी यादव बिहार के अंदर और अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के अंदर वैसे ही बहुत स्ट्रांग है, जैसे कि दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल बहुत स्ट्रांग, हरियाणा के अंदर जो चुनाव हो रहे हैं उसके अंदर जो लीडिंग फोर्स है वो कांग्रेस है। आम आदमी पार्टी के भी सपोर्टर्स हैं, आम आदमी पार्टी की भी पकड़ 4-5% वोट बैंक पे है, जो पहले करीब 0.5% थी पिछले चुनाव में, अब तनकर 5% हो गई है, क्योंकि एक वर्ग है जो कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का समर्थक है, लेकिन वो 4-5% है। वो वोट काट तो सकता है भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस के, लेकिन वो कितनी सीटें जिता सकता है ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह, क्योंकि पिछले 3-4 साल के अंदर जो किसानों के साथ हुआ है, पहलवानों के साथ हुआ है, उसका सबसे ज्यादा प्रभाव हरियाणा के अंदर पड़ा है और हरियाणा में चुनाव होने वाले हैं। तो हरियाणा दो वर्गों में बटा हुआ है, एक वो जो भारतीय जनता पार्टी को अभी भी जिताना चाहते हैं और एक वर्ग वो जो कि भारतीय जनता पार्टी को किसी कीमत पर भी हटाना चाहता है। और हिंदुस्तान के अंदर ज्यादातर इलेक्शन आज तक जो हुए हैं वो हटाने के लिए हुए हैं, रखने के लिए कम हुए, कभी कभी हुए हैं 2014-19 में हुए हैं, लेकिन ज्यादातर चुनाव जो है कि अभी इन्हें हराना है, कभी सपा को हराना है तो सपा को हरा दिया, बसपा को हराना है तो बसपा को हरा दिया, कांग्रेस को हराना है तो कांग्रेस को हरा दिया, ये जनता का रुख रहता है। हरियाणा के अंदर जो रुख है वो बेसिकली बीजेपी को हराना है, वो खट्टर साहब की जो नाकामयाबी थी उसकी वजह से उनको हराना है, जो किसानों के साथ हुआ, जो कर्नल रनौत ने स्टेटमेंट दिए और बाकी जो बड़बोले नेताओं ने किसानों को खालिस्तानी कहा और जिस प्रकार से देश विरोधी कहा, उससे हरियाणा और पंजाब के लोग आहत तो हैं, ये बिल्कुल नेचुरल। तो वो फोर्स आज की तारीख में हरियाणा में बड़ी है जो कि बीजेपी को हटाना चाहती है। जैसा कि आम आदमी पार्टी ने हरियाणा के अंदर कहा कि वो 90 सीटों पर लड़ेगी, अगर वो 90 सीटों पर लड़ेगी तो प्रश्न ये उठता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के वोट काटेगी या कांग्रेस के वोट काटेगी, क्योंकि आज हरियाणा के अंदर जो लहर है वो हराने की लहर है। अगर आम आदमी पार्टी इतना बड़ा फोर्स होती हरियाणा में कि उसके 40% वोट होते तो कांग्रेस की जमानत जब्त हो जाती, सारे वोट आम आदमी पार्टी की तरफ चले जाते, क्योंकि हराने वाले उसकी तरफ देख रहे हैं जो हरा सकता है। लेकिन क्योंकि हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी 4-5% की पार्टी है और कांग्रेस के बाद 40% का वोट बैंक है, जो 44% था लोकसभा चुनाव में, तो इसलिए हराने वाली पार्टी कांग्रेस है, इसलिए वोट का जो पोलराइजेशन है वो कांग्रेस की तरफ है। अरविंद केजरीवाल को जो जमानत मिली है और वो आके अब जब चुनाव प्रचार करेंगे हरियाणा के अंदर, जब वो चुनाव प्रचार करेंगे तो वो चुनाव प्रचार में जो उनकी रणनीति होगी, जो उनके बोलने का तरीका होगा, क्या वो अटैक भारतीय जनता पार्टी पे करेंगे, क्या जो अन्याय हुआ है, जैसे लोगों को जेलों में रखा गया है, जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश महोदय ने तोता मैना की बात की है सीबीआई और ईडी के बारे में, और जिस प्रकार कटी फटकार लगाई है, कड़ी फटकार लगाई है इन एजेंसीज को, जो कि जनता में एक भावना है कि ऐसा ये एजेंसीज कर रही हैं, तो वो किसको डेंट करे,
वो अर्बन एरियाज में कन्वेंसिंग करेंगे या रूरल एरियाज में करेंगे, क्योंकि अर्बन एरियाज भारतीय जनता पार्टी के ज्यादा समर्थक पाए जाते हैं और ग्रामीण क्षेत्र में कांग्रेस के समर्थक ज्यादा पाए जाते हैं। किसके वोटों को काटेंगे, क्या वो मैसेज देंगे कि इंडिया गठबंधन इंटैक्ट है या इंडिया गठबंधन टूट गया? तो अंत में आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन के सहयोगी के रूप में काम करती है या इंडिया गठबंधन को कमजोर करने की शक्ति के रूप में उसको देखा जाता है। इसका इंपैक्ट दिल्ली के इलेक्शन में भी होगा, क्योंकि दिल्ली का एक बहुत बड़ा एरिया जो है वो हरियाणा से लगा हुआ है। अगर कांग्रेस किसी वजह से, जिसकी संभावना आज की तारीख में 1% भी नहीं देखता, अगर हरियाणा का चुनाव हारती है और उसका दोष अगर आम आदमी पार्टी को जीत जाता है, तो एक बहुत बड़ा वोट बैंक आम आदमी पार्टी से दिल्ली के अंदर भी शिफ्ट हो सकता है, जिससे आम आदमी पार्टी का 6 महीने के बाद जो दिल्ली का इलेक्शन होगा उस पर इसका दुष्प्रभाव पड़ सकता है। या आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के छूटने के बाद आपस में कांग्रेस से ये गठबंधन एक समझौता करती है कि 5 सीटें जो हमारे लिए छोड़ने वाले थे उस पे आप अपने कैंडिडेट विड्रॉ कीजिए और बाकी 85 सीटों में हम अपने कैंडिडेट विड्रॉ करते हैं, लेट अस फाइट द इलेक्शन ज्वाइंटली। अगर ऐसा होता है तो ये सोने में सुहागा होता है और बिल्कुल क्लीन स्वीप होती है कांग्रेस की और भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल सुपड़ा साफ हो जाता है। और इसका प्रभाव न केवल हरियाणा के चुनाव में पड़ता है बल्कि 6 महीने के बाद होने वाले दिल्ली के चुनाव में भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की जुगलबंदी बहुत अच्छी चलेगी। लेकिन अगर हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को डेंट किया और ये मैसेज किया कि उसने कांग्रेस को डेंट किया, और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दिल्ली में अगर अलग चुनाव लड़ती है, तो उसके आपात आम आदमी पार्टी को भी परेशानी क्रिएट होंगी, ऐसा मुझे लगता है। तो अगले 5 दिन ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि अरविंद केजरीवाल जब जैसे छूटेंगे और आगे हरियाणा के अंदर वो कन्विंसिंग करेंगे तो किन क्षेत्रों में करेंगे, किन कैंडिडेट्स के लिए करेंगे। उन कैंडिडेट्स के लिए करेंगे जहां पे वो कांग्रेस के वोट काटने वाला उनका कैंडिडेट है, भारतीय जनता पार्टी के वोट काटने वाला उनका कैंडिडेट, और इसमें बहुत कुछ प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि अगर ये मैसेज चला गया कि इंडिया गठबंधन टूट रहा है तो भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा और तब ये माना जाएगा कि तीसरी पार्टी जो पूरे स्टेट में चुनाव लड़ रही है वो भारतीय जनता पार्टी का फायदा पहुंचा रही है। गुजरात इलेक्शन भी जो होने वाले हैं उस पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि गुजरात के अंदर आम आदमी पार्टी भी एक स्ट्रांग फोर्स है, जो 15-20% वोट बैंक उसके पास है, करीब 25% वोट कांग्रेस के पास है। अगर ये मिलजुल के चुनाव लड़ेंगे तो तगड़ी फाइट देंगे बीजेपी को, और अलग होके लड़ेंगे तो फिर भारतीय जनता पार्टी का रास्ता रोकना नामुमकिन हो जाएगा। तो असली मुद्दा यह है, देखना है, जो हम देखेंगे और इसका विश्लेषण और विवेचना करते रहेंगे जब अरविंद केजरीवाल मैदान पे उतरेंगे और कन्विंसिंग करेंगे, किन क्षेत्रों में करेंगे, क्या उनके मुद्दे रहेंगे, किस प्रकार से किसको क्रिटिसाइज करेंगे, क्या वो मैसेजिंग करेंगे और जनता तक क्या मैसेज जाएगा और जनता उसको कैसे परसीव करेगी। इस परसेप्शन पे चुनाव न केवल हरियाणा का बल्कि दिल्ली का, गुजरात का और बिहार का और बाकी स्टेट के चुनाव पे भी असर पड़ेगा। देखना है, विवेचना करेंगे, विश्लेषण करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।